तो आज हम बात करेंगे कमस्तु ग्रेडर के पार्ट के बारे में। ये जो आपका पूरा है वहाँ से यहाँ तक, ये यह हो गया आपका पूरा फ्रंट एक्सल हो गया। यहाँ पे जो डली है एक, यहाँ पे वहाँ तक किंग पिन हो गया। ये जो आपका दिख रहा है पूरा इधर से उधर तक स्पिंडल हाउसिंग हो गया। ये हो गया हुल लीनिंग जैक सिलेंडर। ये जो और ये आपका हो गया जो ये यह जो यहाँ पे ये यह है पूरा, ये समयोजिक ब्रेकेट या आर असेंबली लीनिंग बोलते हैं, जो है आपका दिख रहा है पूरा। यह हो गया आपका सामने का पोजीशन, ये दोनों हॉर्न हो गया, ये आपका हेडलाइट हो गया, ये इंडिकेटर हो गया। ये जो दिख रहा है आपका, ये आपको जितना दिख रहा है ये बूम बूम, और इसको फ्रंट फ्रेम बोलते हैं इसको जो है ना। ये जो आपका है तो ये फ्रंट हब हो गया, ये टायर राड हो गया, स्टीयरिंग जैक सिलेंडर हो गया, ये दोनों जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ड्राइवर बार सॉकेट हो गया। ये जो आपका पूरा दिख रहा है ये रीपर हो गया, ये हो गया आपका रीपर, इसका जी फाइव का सिलेंडर हो गया। ये यहाँ पे जो लगा है ये सैंक हो गया, यहाँ पे तीत तीत लगता है, इसको जो है ये राड है रीपर, इसका जी फाइव लिंक हो गया। ये पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक सैंक को लॉक करने के लिए कि ये लगा रहता है, देखिए यहाँ पे इसको निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। जो यहाँ पे लगे हैं ये कंट्रोल वाल हो गए दोनों, ये जो ये दिख रहा है इसको छोड़ के ये पूरा वहाँ से यहाँ तक ड्राइवर एस योक एज बोलते हैं इसको। इसको जो दिख रहा है ये सर्कल एज हो गया, ये जो ये लगा है यहाँ तक, ये आपका स्विंग मोटर हो गया, ये स्वावी जॉइंट हो गया। ये जो ये दिख रहा है ये राइट लिफ्ट सिलेंडर हो गया और लेफ्ट लिफ्ट सिलेंडर हो गया, ये सर्किल शिफ्ट सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर सॉकेट लगा है, उधर भी सिलेंडर सॉकेट लगा है, एक सिलेंडर सॉकेट बोलते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया आपका हैंड शिफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट हैंड शिफ्ट इसको बोलते हैं। जो यहाँ पे एक लगी रहती है ये इसके और इसके बीच में, इसको बटन गाइड बोलते हैं, ये यहाँ पे लगी है और अंदर भी इसकी गाइड लगी है। यहाँ पे एक गाइड लगी थी, इसको तरवाल गाइड बोलते हैं, जो यहाँ पे लगी रहते हैं। इसको इस सर्कल सूज हो गया, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे एक सिलेंडर लगा रहता है, इसको पावर टिल सिलेंडर बोलते हैं, जैक भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गाइड लगी रहती है, ये ऊपर गाइड है, यहाँ पे बूस लगा रहता है, ये सिलेंडर लगा है, इसको स्लाइड जैक बोलते हैं इस सिलेंडर को, तो वहाँ पूरा लगा है वहाँ तक। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका कंट्रोल वाल्व रहता है, ये आपका स्टेप हो गया, ये आपका केबिन हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया रियर हब हो गया। ये और यहाँ जैसे यहाँ पे लगे रहते हैं आपके इधर में और लगे हैं, और आपको इधर में जैसे दिख रहे हैं कंट्रोल वाल्व ही इसको बोलते हैं, ये जितना दिख रहे हैं आप। ये आपको हो गया आर्टिकुलेशन सिलेंडर हो गया, ये आपका ये पूरा डिक्स हो गया, यहाँ से हम ऑयल चेक करते हैं और यहाँ से हम ऑयल को डालते हैं। और यह आपको हो गया ये जो आपका पाइप दिख रहा है, ब्रेक प्रेशर पाइप होता है, ये आपको यहाँ पे जा रहा है, ये जितना दिख रहा है यहाँ पे ये ट्रांसमिशन हो गया। यहाँ से हम ट्रांसमिशन ऑयल को चेक करते हैं और डालते भी हैं इसे। यहाँ से हम हाइड्रोलिक ऑयल डालते हैं, इसको खोल के यहाँ पे आपका एक यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहता है, और यहाँ पे उसकी अंदर की गैस को निकलने के लिए यहाँ पे लगा रहता है, इसको किकर बोलते हैं। यहाँ से हम हाइड्रोलिक ऑयल को चेक करते हैं कि हमारे टंकी में हाइड्रोलिक ऑयल कितना है। अगर आपको इधर में बोला जाए तो ये आपको प्री क्लीनर हो गया, ये आपका साइलेंसर हो गया, ये हम इसके अंदर के ही बता देते हैं, हो गया डीजल फिल्टर भी बोलते हैं इसको। और ये आपका इंजन ऑयल हो गया, यहाँ से इंजन ऑयल डालते हैं, यहाँ से इंजन ऑयल चेक करते हैं। या आपको हो गया फ्यूल फिल्टर, आपको हो गया फिल्टर हो गया, ये आपको हो गया पूरा ये जितना दिख रहा है। यहाँ पे आपका रेडिएटर का फैन लगा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये आप रेडिएटर का बेल्ट है, यहाँ पे जिस पंखा ये फैन घूमता है, ये आपका रेडिएटर का पूरा हो गया। आपका हो गया ये वाटर कूलर जिसमें हमारा कूलेंट ठंडा होकर जाता है, ये आपका हो गया जो ये वाली पाइप दिख रही है, ये आपका एयर कूलर हो गया, ये आपका हो गया ट्रांसमिशन कूलर। यहाँ पे
आप देखेंगे यहाँ पे जो पूरा ये दिख रहा है यहाँ नीचे तक, ये आपको हो गया हाइड्रोलिक पंप प्रेशर। ये दोनों ये यहाँ दिख रहा है, ये तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लगा ये यहाँ तक, ये पूरा ये इंजन का ECM है। इसको दोस्तों इसको पानी से बचा के रखना, इसमें कंपनी गारंटी नहीं देती है। ये जो दिख रहा है एयर प्रेशर पंप हो गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है डीजल पंप हो गया ये। यहाँ से हम इंजन ऑयल निकालते हैं। ये जो यहाँ पे देखेंगे कूलेंट का डिब्बा है जिसे हम कूलेंट डालते हैं। दोस्तों ये पीछे का पोजीशन है, ये प्लेट का लाइट हो गया। हमारे में ये चार लाइट लगी हैं। ये हो गया आपका रिवर्स बैक लाइट, यह आपको हो गया टेन लाइट, अब ये हो गया इंडिकेटर का लाइट, पीछे का लाइट हो गया। ये मशीन को टेलर से यहाँ से टेलर से बांधते हैं मशीन को, यहाँ पे पीछे खींचने के लिए मशीन फंस जाता है। यहाँ पे दिया है ये आपका, यहाँ पे डीजल टंकी है। और अगर रेडिएटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको तीन रेडिएटर मिलते हैं। एक फर्स्ट में हो गया कूलेंट वाटर कूलर जो आपका हो गया फर्स्ट में, और ये हो गया एयर कूलर जिसे हमारे इंजन में एयर ठंडी होकर जाती है। जो वारिक ये छोटा वाला दिख रहा है वारिक नाली वाला, एक ट्रांसमिशन कूलर इसको बोलते हैं। ये आपका डीजल टंकी हो गया, ये गया जितना आप नीचे देखेंगे तो पूरा डीजल टंकी का ऑप्शन है ये। अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ को डिक्स के अंदर ऑयल नमी उबी निकलने के लिए यहाँ पे दिया रहता है, ये इसको किकर बोलते हैं। ये आपका अल्टरनेट हो गया, ये आपका हो गया फिल्टर हो गया, डस्ट अडजस्टेड पाइप हो गया, यहाँ पे आपका लगा है इधर का इनलेटर हो गया, इधर का आउटलेटर हो गया, ये आपका हो गया इंजन ऑयल फिल्टर हो गया। डिफरेंशियल ऑयल को हम डालते हैं यहाँ पे, गैस से हम चेक भी करते हैं। यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर लगा, ये दिख रहा है ये ट्रांसमिशन ऑयल है, इधर पूरा ट्रांसमिशन है। ये आपका सिलअप हो गया, ये जो पाइप गई है ये आपका वाटर कूलर के पास गई है। आपका रेडिएटर का कूलेंट यहाँ से डाल चेक भी करते हैं, यहाँ से डालते भी हैं। जो आपको उधर दिख रहा है ये जो ये दिख रहा है साइड मिलर का है, इसे हम साइड मिलर लगा सकते हैं जिससे हमको पीछे के दिखता है। एक कमस्तु ग्रेडर में छह टायर लगे हैं, तीन इधर तीन इधर। आपका हो गया 535 GD, ये आपका आर्टिकुलेट सिलेंडर हो गया। यहाँ पे डली है ये पिन हो गया, यहाँ से यहाँ पे डालने से लॉक हो जाता है, अभी खुला है ये। मशीन घूमती है यहाँ से, एक लगा है और यहाँ से जिससे मशीन घूम जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है सेंट्रल शिफ्ट लॉक मोटर है, ये हैंड शिफ्ट हो गया ये। यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका स्टेप्स हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ये आपका सर्किल लाइट हो गया, ये इसको सर्किल लाइट बोलते हैं। GPS हो गया, मगर कहीं भी मशीन चलती है तो ये पता चल जाता है कि कहाँ पे मशीन चल रही है। इसका रिमोट कमस्तु वालों के पास ही, कंपनी वालों के पास ही रहता है। आपका हो गया नंबर प्लेट हो गई। दोस्तों अगर हम केबिन की बात करें तो हाइड्रोलिक कंट्रोल लीवर हो गया, ये दोनों पांच इधर में चार इधर में। ये आपका स्टीयरिंग हो गया लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, ये आपका हो गया क्लच हो गया, ये स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए पैडल हो गया, आपको हो गया ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा ओनली स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पैडल दिया रहता है। आपको यहाँ पे चेतावनी का मशीन में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे मीटर जल लाइट जलती है, लाल रेड लाइट जलती है। सेंट्रल शिफ्ट लॉक मोटर का ये, जब सेंट्रल शिफ्ट लॉक मोटर खुलता है तो यहाँ पे जलने लगता है लाल। ये बॉक्स के बारे में बात करें तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल लीवर हो गया, ये इसमें 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका पार्किंग हो गया, ये आपका हो गया हैंड स्केलेटर, इको मैनुअल हो गया, ये आपका हो गया 4 इंडिकेटर हो गया, ये आपको हो गया पावर मशीन चलाने के लिए, जैसे मशीन नहीं चल रही है आप मशीन को पावर में चला सकते हैं, ये पावर मशीन चलाने के लिए दिया है। ये आपका 4 व्हील हो गया, ये आपका हो गया हेडलाइट को अपर डिपर करने के लिए दिया है, ये आपको हो गया सर आगे और पीछे का लाइट हो गया, और ये सर्किल का ये हो गया सर्किल लाइट हो गया, ये आर्टिकुलेशन प्लस जो जलती है। अगर इसकी बात करें तो आपको पीछे में राइट साइड में सिर्फ एक ही रेड लाइट जलेगा ये।
ये आपको हो गया सेंट्रल शिफ्ट लॉक मोटर का बटन हो गया। ये आपको होगा कि हो गया, और इधर में आपका टूल बॉक्स दिया है। यह आपको हो गया, ये जो दिख रहा है आपका फ्यूज बॉक्स हो गया, ये फ्यूज बॉक्स का पाइप लगा है। ये लेफ्ट साइड मिरर हो गया, लेफ्ट साइड मिरर हो गया, ये सामने का साइड मिरर हो गया, और ये हो गया राइट साइड मिरर हो गया। ये हेडलाइट को पट आज हम बात दोस्तों जितना हमको मालूम था मैं उतना बता दिया है, जो हमको नहीं मालूम है या हमसे भूल गया है तो आप कमेंट में बता दीजिए।